आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और बताया कि आज केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार के इशारों पर विपक्ष के 142 सांसदों के अलोकतांत्रिक निलंबन का समाजवादी पार्टी विरोध करती है और तानाशाह भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जब से अस्तित्व में आई है तभी से देश में धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता एवं संविधान विरोधी गैर लोकतांत्रिक कार्यों की बाट सी आ गई है। केंद्र की सरकार का पहले दिन से ही रवैया और निर्णय निश्चित रूप से तानाशाह रहा है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र सरकार की नीतियां पंगु बनाती जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष जो जनता के हक की लंबी लड़ाई लड़ता है, उस विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार CBI, ईडी को प्रभाव में लेकर विपक्ष के नेताओं पर फर्जी मुकदमे में फंसाकर देश को विपक्ष विहीन करने का काम कर रही है। इसका ताजा उदाहरण अभी 142 सांसदों का गैर लोकतांत्रिक तरीके से निलंबन किया जाना है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर सफल हो चुकी है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध बेरोजगारी का बोलबाला है। बेरोजगार नौजवान अवसाद से ग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार सत्ता में बने रहने के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग देश में अल्पसंख्यकों के लिए गैर लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल कर देश और समाज में खाई खोदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने संविधान की रक्षा हेतु केंद्र सरकार को बर्खास्त करने और सांसदों के निलंबन पर रोक लगाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे प्रदेश के हर जनपद में विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे लोकसभा में माननीय विपक्ष के सांसद 142, उनको निलंबित किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी मैदान में है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, DM साहब के माध्यम से भेजा जाएगा। और इसमें भी ये सचेत नहीं हुए तो हम यहाँ बरेली जनपद से बड़ा धरना प्रदर्शन करके जेल भरो आंदोलन का भी कार्यक्रम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।